हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड कैसे आप सभी लोग। और यहाँ पे गाइस बीजीएमआई में टीयर रीसेट को लेके काफी प्रॉब्लम हो रहा है। काफी बंदों ने यहाँ पे कमेंट करके मुझे बोला कि हम लोग का जो क्राउन था लेकिन अभी हम लोग प्लैटिनियम पे आ गए गाइस। एंड यहाँ पे जो सीजन रिवॉर्ड्स मिले थे उनको कलेक्ट तो हुआ काफी बंदों का, एंड वो उनको शो नहीं कर रहा है कि वो सीजन रिवॉर्ड्स कहाँ पे एंड उसको कैसे यूज करना है। सो हम टीयर रिवॉर्ड्स को जो रीसेट हुए टीयर उसके रिलेटेड बात करेंगे, प्लस यहाँ पे जो सीजन रिवॉर्ड्स हैं उसको कैसे कलेक्ट करना है एंड कैसे यूज करना है मैं आपको ये लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा यहाँ पे। सो लेट्स बिगिन। मेक श्योर गाइस वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताओ गाइस अभी आपकी जो टीयर है कितनी रीसेट होके आई एंड यहाँ पे आपको M15 का जो रॉयल पास है वो देखने को मिल रहा है कि नहीं गाइस। सो यहाँ पे गाइस आपका जो टीयर रीसेट हुआ है वो क्यों हुआ एंड यहाँ पे गाइस आप अगर ध्यान से देखोगे तो मेरी भी जो टीयर है वो रीसेट होकर प्लैटिनियम पे आई है। ऐसा क्यों हुआ है? बिकॉज यहाँ पे जो है बीजीएमआई में आपका जो है न्यू सीजन स्टार्ट हुआ है जो कि है साइकिल 3 सीजन 8। लेकिन गाइस अभी काफी बंदे मुझे कमेंट करके बोलेंगे कि गाइस यहाँ पे साइकिल 3 तो सीजन 7 शुरू हो रहा है, लेकिन ये एक ग्लिच है गाइस, एक टाइपिकल मिस्टेक है ऐसा बीजीएमआई वालों का कहना है, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन्होंने बताया भी है जो कि मैं आपको आगे प्रूफ दिखा दूंगा। लेकिन ये जो सीजन चल रहा है ना गाइस ये सीजन 8 चल रहा है, यहाँ पे सीजन 7 नहीं है। और यही कारण है गाइस कि आपका जो बीजीएमआई में जो टीयर है वो रीसेट होकर प्लैटिनियम पे आ गया है। पबजी के सारे केआर वर्जन या फिर आप ग्लोबल वर्जन बोल सकते हो उन सभी में गाइस आपको सीजन 8 देखने को मिलेगा, बस बीजीएमआई में आपको सीजन 7 देखने को मिल रहा है। इसका कारण ये है कि गाइस इंडिया में बीजीएमआई का जो सर्वर है वो हटाया गया है फिलहाल के लिए। तो जो सर्वर का इशू होने के कारण गाइस यहाँ पे भी कुछ कंफर्म नहीं है कि आपको जो है M15 का रॉयल पास देखने को मिलेगा कि नहीं एंड यहाँ पे सीजन 8 आपको शो होएगा कि नहीं गाइस। आई थिंक मुझे लग रहा है ये 2 महीना तो आपके ऐसे ही जाने वाले हैं। अगर आप फन के लिए खेल रहे हो तो आप बीच में खेल सकते हो, नहीं तो फिर अगर आप रैंक पुश वगैरह वो सब के लिए खेल रहे हो तो यहाँ पे मैं बता दूं गाइस आपका जो है रैंक पुश करके यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। बिकॉज यहाँ पे आपको कुछ भी रिवॉर्ड्स नहीं मिलने वाले रैंक पुश करने, आपको जो कोई टाइटल नहीं मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, बस यहाँ पे आपको जो टीम अप इफेक्ट मिलेगा एंड ये जो नॉर्मल से आपको जो रिवॉर्ड्स रहते हैं वो मिलेंगे गाइस। लेकिन गाइस यहाँ पे अगर आपको साइकिल रिवॉर्ड्स चाहिए तो आप रैंक पुश करो, यहाँ पे अगर आप एस लगा देते हो तो एंड फिर ऑफलाइन हो जाते हो तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पे साइकिल रिवॉर्ड्स मिल सकते गाइस। लेकिन गाइस अगर आप इस सीजन रैंक पुश नहीं करोगे, नेक्स्ट सीजन अगर आप एस मास्टर लगा दोगे तो भी गाइस आपको सारे साइकिल के रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे गाइस। अगर आपने इस सीजन आप डायमंड पे ही रहते हो, गोल्ड पे ही रहते हो तो भी सारे रिवॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे गाइस, डोंट वरी अबाउट दैट। नाउ यहाँ पे गाइस बीजीएमआई की टीम ने एक मैसेज डाला हुआ है सीजन टेक्स्ट एरर करके जो कि C3S8 को लेके, तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोला कि एक टाइपिकल मिस्टेक होने के कारण यहाँ पे आपको C3S7 देखने को मिल रहा है। लेकिन जो अभी सीजन चल रहा है वो सीजन 8 ही चल रहा है, तो अभी जो नेक्स्ट सीजन आएगा इसके बाद वो भी सीजन 9 आएगा गाइस, सीजन 8 वापस नहीं आने वाला है। सो ये सीजन 8 ही चल रहा है, बस आपको सीजन 8 के जो रिवॉर्ड्स वगैरह हैं वो कुछ भी नहीं मिलने वाले। C3S7 में आपको खेलना है एंड वही आपका होने वाला है। तो यहाँ पे रैंक पुश वगैरह करके कुछ मतलब नहीं, अगर आपको टीयर रिवॉर्ड्स चाहिए मतलब साइकिल रिवॉर्ड्स चाहिए तो आप रैंक पुश कर सकते हो, नहीं तो अगर आप सीजन 9 में अगर आइस मास्टर लगा देते हो ना गाइस तो आपको सीजन 8 में रैंक पुश करने की कोई जरूरत नहीं, आपका सारे रिवॉर्ड्स हो जाएंगे कलेक्ट। एंड यहाँ पे गाइस जो सीजन रिवॉर्ड्स को कलेक्ट करना है एंड यूज कैसे करता है उसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, न्यू वीडियो, बिकॉज ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है। तो बस फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।